हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे आंध्र व सातवाहन काल के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने मथुरा शैली के बारे में पढ़ा था, उसकी प्रमुख मूर्तियों के बारे में चर्चा की थी। तो अभी हम उसके बाद आंध्र व सातवाहन काल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आंध्र व सातवाहन काल में स्तूपों का निर्माण अधिक संख्या में हुआ है, लेकिन अगर प्रमुख तौर से देखा जाए तो यहाँ पे अमरावती व नागार्जुन कोंड के जो स्तूप हैं वो प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। तो अभी हम इन्हीं दो स्तूपों के बारे में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे अमरावती स्तूप के बारे में, ठीक है। तो देखिए, आंध्र व सातवाहन काल, आंध्र व सातवाहन काल, समय है 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। अब हम पढ़ेंगे अमरावती के बारे में। इसका समय है 200 ईसा पूर्व। अमरावती का स्तूप बहुत बड़ा बना हुआ है और बौद्ध धर्म को समर्पित है, ठीक है। बौद्ध स्तूप के रूप में यह जाना जाता है। तो अमरावती जो है कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश गुंटूर जिले में, गुंटूर जिले में। और इसका प्राचीन कहाँ? कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। कृष्णा नदी ये भी याद कर लीजिएगा, कृष्णा नदी के किनारे। इसका प्राचीन नाम धान्यकटक, और इसकी खोज की थी कर्नल मैकेंजी, मैकेंजी ने, ठीक है। और इसके अवशेष जो हैं वो कहाँ कहाँ संग्रहित हैं? अवशेष ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, लंदन, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, और मद्रास संग्रहालय, ठीक है। देखिए, अमरावती 200 ईसा पूर्व, इसका कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश गुंटूर जिले में, कृष्णा नदी के किनारे। नदी का भी नाम याद करिएगा, प्राचीन नाम इसका धान्यकटक है, और इसकी खोज कर्नल मैकेंजी ने की थी। और इसके अवशेष जो हैं वो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, भारतीय संग्रहालय कोलकाता और मद्रास संग्रहालय में संग्रहित हैं, ठीक है। और जो है इस स्तूप को जो है ये बना हुआ है, और उसके किनारे जो मतलब जब ये बना हुआ था, और उसके बाद इसमें सातवाहन राजाओं ने इसके किनारे किनारे बाउंड्री बनवाई थी संगमरमर की चारों तरफ। और उसी जो ये जो बाउंड्री बनी थी वो संगमरमर की बनी थी, और उसी पर बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का अंकन भी बना हुआ है। बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं चारों तरफ बनी हुई थी। और जो है यहाँ पर बुद्ध की बड़ी बड़ी आदमकद मूर्तियाँ भी हैं, और इनमें दो बुद्ध की मूर्तियाँ साथ साथ बनाई गई हैं। चक्र पूजा व चरण चिन्हों की पूजा के दृश्य भी बने हुए हैं। कमल की बेलें, कमल एवं मकर आदि अलंकरण यहाँ पर बने हुए मिले हैं, ठीक है। देखिए, अमरावती ये इतना इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे नागार्जुन कुंड के बारे में, ठीक है। नागार्जुन कुंड, नागार्जुन कुंड, यह भी जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में ही यह भी स्थित है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। और कृष्णा नदी के किनारे यह भी स्थित है, कृष्णा नदी।
ठीक है, दोनों का जो स्थान है वो एक ही है, कुछ दूरी पर हैं दोनों लेकिन एक ही जगह स्थित हैं, और मतलब गुंटूर ज़िले में यह भी है और अमरावती स्तूप भी गुंटूर ज़िले में ही स्थित है, वो भी कृष्णा नदी के किनारे दोनों स्थित हैं। और यह जो नागार्जुन कुंड है वो इक्ष्वाकु राजाओं के समय में बना था, राजाओं के समय में हल्के रंग के मुलायम पत्थरों से यह स्तूप बनाया गया था। इक्ष्वाकु राजाओं के समय में हल्के रंग के मुलायम पत्थरों से यह इसका नागार्जुन कुंड स्तूप का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो देखिए इसमें इतना ही इम्पॉर्टेंट है, आपको आंध्रवास सातवाहन काल का समय याद करना है और अमरावती के बारे में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी और नागार्जुन कुंड के बारे में। ठीक है, तो इसको इक्ष्वाकु राजाओं ने बनवाया था और यहाँ अलंकरणों नागार्जुन कुंड के स्तूप में अलंकरणों में मूर्तियों पर रोमन प्रभाव जो है दिखाई पड़ता है, यहाँ की जो मूर्तियाँ और जो अलंकरण बने हुए हैं उन पर रोमन प्रभाव दिखाई पड़ता है। और इस स्तूप के जो तोरण द्वार बना हुआ है तथा रेलिंगों पर बुद्ध के जीवन के समस्त जो जितना मतलब लगभग सभी दृश्यों का अंकन यहाँ पर कर दिया गया है। ठीक है, बुद्ध के जीवन के जो सारी जो जीवन के लगभग जितने भी घटनाएं या उनके जीवन में जो भी हुआ है उसका अंकन यहाँ पर हुआ है नागार्जुन कुंड के ऊपर तोरण द्वार पर और यहाँ की रेलिंगों पर। ठीक है, तो देखिए इतना ही इम्पॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा आप अमरावती और नागार्जुन कुंड के बारे में। बाकी अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, ये इतना ही, और गुप्त वंश के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है,